जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, जो बुरा लग रहा है वो बुरा लग रहा है। अब देखते हैं बाजार कैसे बिहेव करेगा। अच्छा क्या लगा था, टीसीएस के नंबर अच्छे लगे थे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह का जायंट है, हम उसको ऐसे नहीं कंपेयर करना चाहिए कि इसके कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ इतनी आई, इसके पीयर्स की इतनी आई। इसका जो इमीडिएट पीयर है उसका उससे उसका दो ही तिहाई है। इस तरह का साइज रखता है टीसीएस, इस तरह का ह्यूमंगस बेस बन चुका है। उस बेस पे वो कहते हैं ना एलिफेंट्स कैन डांस, वो एकदम परफेक्ट बैठता है। ये अभी भी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डिलीवर करने का दमखम रखता है। अब कल रिएक्ट नहीं करा क्योंकि टीसीएस, अब वो आज करेगा नहीं करेगा मुझे तो ये भी नहीं पता, पर टीसीएस ने थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। जब इसके पीयर्स ईयर टिल डेट काफी गिरे, टीसीएस कम गिरा। क्यों गिरा कम? क्योंकि वो बायबैक ने दरअसल मदद कर दी। बायबैक ने स्टॉक को चढ़ाया नहीं, लेकिन बायबैक ने स्टॉक को होल्ड करने में मदद कर दी अपने पीयर्स के सामने। थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस एक इशू है, पर क्या अच्छा था, क्लियर है 3.25% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ टीसीएस ने जो रेवेन्यूज में लेकर आया वो बाजार उम्मीद से फिर भी बेहतर है और बहुत अच्छा ग्रोथ का आंकड़ा है। 3.25% अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है सीजनली वीक क्वार्टर में। टीसीसी ऑर्डर बुक देखिए, $11.3 बिलियन के ऑर्डर कुछ खबर आ गई है। सर ₹5 किलो सीएनजी के दाम बढ़ गए, ये दूसरी तीसरी बार आपको, अरे तीसरी का अच्छा होती पांचवी बार। वो बीच में खबर आई थी महाराष्ट्र ने एक्साइज रिड्यूस करा तो इन्होंने ₹6 सीएनजी पास ऑन कर दिया था। वो ₹6 कान काटा था उसके बाद से तो बड़ा बड़ा के 12 कितने रुपए हो गए पता नहीं। महानगर गैस की तरफ से IGL लगातार बढ़ा रहा था, ये तो बड़ा मीनिंगफुल जंप है। ₹5 पर केजी सी, अभी पीएनजी बच गया भाई, तो बच गया मैं, घर की गैस यहीं से चलती है। महानगर वाला कनेक्शन है क्या? हाँ MGL की पाइप है, अभी तक सीएनजी वाली गाड़ी नहीं है अपनी तो ठीक है, लेकिन ये सबके साथ दिक्कतें, यही सब जो है अभी सब्सिक्वेंट और इन्फ्लेशन के जब आगे आएंगे दिक्कतें नजर आने वाली हैं। ठीक है, तो अच्छा टीसीएस का $11.3 बिलियन की ऑर्डर विंस, हाईएस्ट एवर। सप्लाई साइड चैलेंजेस के बीच में मार्जिन्स को डिफेंड कर पाना, आखिर में कोई खराबी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल पॉजिटिव ना भी हो तो मुझे लगता है आज ये अपसाइड जर्नी रिज्यूम कर सकता है जब नैसडैक का ओवरहैंग कुछ कम हुआ है। नैसडैक कल पिटा था, आज उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है, तो ग्रोथ स्टॉक से चैलेंजेस आज इटलीज कम है तो शायद टीसीएस अपने नंबर्स पे परफॉर्म करे। इन्फोसिस को भी रख दिया मैंने साथ में। इन्फोसिस हालांकि वीक विकेट पे है, ईयर टिल डेट कमजोरी देखने को मिल रही है, बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद दरअसल ईयर टिल डेट दबाव है, ऐसा नहीं कि स्टॉक पिट रहे हैं, इन्होंने बहुत मैसिवली इंडेक्सेस को बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करा हुआ है। पर नंबर्स से पहले इन्फोसिस में शायद थोड़ी सी पोजीशन बिल्डअप होती नजर आए। टीसीएस के इंटरनल्स अच्छे थे और इन्फोसिस ने तो ऑफलेट इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डिलीवर करी है, तो होप्स ये हैं कि शायद ये भी अच्छे परफॉर्म करके दिखा दे। पर टीसीएस आउटलुक ढंग से शेयर नहीं करता क्योंकि गाइडेंस नहीं देता, इन्फोसिस वो गाइडेंस देता है, तो दरअसल पता चलेगा कि आंकड़ों में कितनी, अभी तक तो क्या सब पॉजिटिव पॉजिटिव सब बातें होंगी टीसीएस केस में, इन्फोसिस से एक्चुअल पता चलेगा कितना कन्वर्जन और नंबर्स में आ रहा है, तो गाइडेंस इंपॉर्टेंट होगी। पर ये दोनों नंबर्स के चलते एक पहले और एक बाद में शायद इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आए, तो इन दोनों से शुरू कर रहा हूं मैं आज की टीम को। दो हैवी वेट्स हैं लॉजिक के साथ, देखते हैं क्या होता है इन स्टॉक्स का। एक्सिस बैंक, अब ये बड़ा मुश्किल है, बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस है, कल भी बैंक्स हरे निशान में इवेंचुअली बंद हुए थे, और बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस है क्योंकि बैंक्स में सेलेक्टिवली पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं, कोई SBI, कोई एक्सिस बैंक, ये अच्छा कर रहे हैं, इनमें कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे बाज फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं, तो शायद आज भी ये स्टॉक हरे निशान में रह सकता है, ना भी रहे आज स्पेसिफिकली एक्सपायरी के दिन, पर ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है बैंक्स में जो इवेंचुअली मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगी, इसीलिए कंफर्ट है, इसीलिए इन ग्रीन रखा है स्टॉक। ओके तो अच्छा, अब टीसीएस के बारे में कल पढ़ रहा था कि